आज बात करते हैं भूलभुलैया 3 की, जिसमें से 5 ऐसे अमेजिंग अपडेट्स आपको बताती हूँ जिनको सुनकर आप काफी शॉक्ड होने वाले हैं। नंबर 1, सितंबर में भूलभुलैया 3 का टीजर 100% कंफर्म है, जिसको ओरिजिनली 15 अगस्त को रिलीज किया जाना था। फिर 3 2 से जबरदस्ती कंपैरिजन होता, फालतू में श्रद्धा वर्सेस कार्तिक का एंगल बन जाता और 3 को बीट करने का प्रेशर बन जाता। इसलिए ये सब अवॉइड करने के लिए मेकर्स ने तसल्ली से आराम से पब्लिक को बताकर फिल्म का टीजर सितंबर में रिलीज करने का डिसीजन लिया। फिल्म की टीम स्पेशल पोस्टर्स के लिए शूट कर रही है, जिनको एक एक करके टीजर के बाद पब्लिश किया जाएगा नवंबर में फिल्म की रिलीज तक। और इवन कुछ पोस्टर्स को स्पेशली इस इंटेंशन से शूट किया जा रहा है कि जिनको हैवी कलेक्शन के साथ अपलोड करेंगे। और यहीं से कुछ फोटोज भी बाहर आना शुरू हो गई है, जिसमे सबसे पहले तो कार्तिक की लुक रिवील हो गई है, जिसमे ज्यादा चेंजेस नहीं है, वही भूलभुलैया 2 जैसी लुक है ऑलमोस्ट। लेकिन दूसरी फोटो वो है जिसका सबको इंतजार था, विद्या बालन फ्रॉम पार्ट 1 सीधा कमबैक कर रही है आफ्टर 17 ईयर्स। इस बार फिल्म बड़े बड़े लोगों के साथ अपना सस्पेंस बनाने वाली है। पहला सस्पेंस तो विद्या बालन को लेकर ही है कि ये वापस तो आ रही है, लेकिन एज मंजुलिका या अवनी, ये सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इस फिल्म का। पार्ट 2 में मंजुलिका अंजुलिका की कहानी को ऑलरेडी रू बाबा ने खत्म कर दिया था, तो विद्या बालन फिर से मंजू बनकर आएंगी, इस बात के चांस तो बहुत कम है। लेकिन वहीं पर अगर इनको एज अवनी लाना है तो पार्ट 1 से काफी क्लोज कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, मीन्स बहुत से पुराने एक्टर्स को भी वापस लाना पड़ेगा। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि विद्या बालन की तीसरा ही कैरेक्टर बनकर वापस आए, जिनके दिमाग में मंजुलिका और अवनी का कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए। और दूसरा सस्पेंस है तृप्ति धिमरी। बताया जा रहा है कि इनका कैरेक्टर फिल्म के लिए बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा, जिससे पब्लिक को बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। अभी तक तो हीरो हीरोइन के दरमियान लव एंगल क्रिएट किया गया था, लेकिन इस पार्ट में कार्तिक को तृप्ति के साथ भी देखा जा सकता है, जैसे अक्षय वर्सेस विद्या हुआ था पार्ट 1 में। 50-50 चांस है अक्षय के कैमियो का, ताकि पब्लिक की डिमांड भी पूरी की जा सके। जैसे स्त्री 2 में अक्षय के कैमियो ने पब्लिक का दिल जीत लिया था और काफी अप्रिसिएशन भी हासिल की थी, वैसे ही भूलभुलैया 3 के मेकर्स भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं। और अगर अवनी वापस आ रही है तो उनका इलाज रूह बाबा के बस की बात नहीं, अक्षय कुमार को तो वापस आना ही पड़ेगा। फिलहाल अक्षय विद कार्तिक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्लैश विद संगम तो अक्षय कुमार को ना सिर्फ लाना पड़ेगा बल्कि उनको ट्रेलर में भी दिखाना पड़ेगा। भूलभुलैया 3 के ट्रेलर में कुछ ऐसा होगा जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। कार्तिक, तृप्ति और विद्या बालन की एंट्री तो 100% पक्की है, लेकिन साथ में माधुरी दीक्षित की वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है, जो सबके होश उड़ा सकती है। इवन तबू का स्पेशल कैमियो भी प्लान किया जा चुका है, जो बदला लेंगी अगेंस्ट रू बाबा। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि ट्रेलर में आमी जी तुम्हार का ओरिजिनल वर्जन यूज करने का प्लान भी किया जा रहा है, द लेजेंड श्रेया की आवाज में। और कुछ पिक्चर जो सेट से लीक हुई थी उनको ध्यान से देखेंगे तो कम से कम 10 से 15 टैलेंटेड एक्टर्स और मिल जाएंगे। और ट्रेलर में स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी एक ट्रेलर में 10 से 15 एक्टर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।